Hello students, today I will discuss a very few important questions and answers from the poem A Thing of Beauty by John Keats. So let's begin. The first question is, what increases continuously in a thing of beauty? Yani, sundar cheez mein kya continuously badhta rehta hai? John Keats says that a thing of beauty is a joy forever. John Keats kehte hai ke sundar cheez hamesha ke liye khushi ka karan hota hai. इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर. ये खुशी और आनंद का एक निरंतर अनंत स्रोत होता है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली. इसका खूबसूरती लगातार यानी निरंतर बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस. ये कभी भी बेकार चीज नहीं बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर. के एक सुंदर चीज कैसे हमेशा के लिए खुशी का कारण बनता है. आंसर सेम है, इसलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द थिंग्स ऑफ नेचर दैट आर कॉन्स्टेंट सोर्सेज ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन. आंसर है, नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स एंड दे आर कॉन्स्टेंट सोर्सेज ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन. प्रकृति खूबसूरत चीजों से भरा है जो इंसान के लिए खुशी और आनंद का अनंत स्रोत है. द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ब्यूटिफुल डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स, द मास्क रोज एंड ग्रीनरी आर सम ऑफ सच थिंग्स. सूरज, चंदा, छोटा बड़ा पेड़, सुंदर डेफोडिल फूल, निर्मल पानी का झरना, खूबसूरत मास्क गुलाब और हरियाली, ऐसे कुछ सुंदर चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेजेंड ऑन हुज द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन. ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता किस आख्यान या पुराण कथा पर आधारित है. द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड एंडिमियन. ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता एंडिमियन नाम के एक ग्रीक आख्यान पर आधारित है. इन हुई एंडिमियन ए ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हैड ए विजन ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया. जिसमें एंडिमियन जो कि है एक सुंदर युवा शेफर्ड यानी गडेरिया और कवि जो माउंट लटमस में रहते थे और चंद्रमा देवी सिंथिया को सपनों में अलौकिक रूप में अनुभव करते हैं. बींग एनसेंटेड ही वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड द सी. और उनके प्यार में मोहित होकर के वो जंगल और सागर में घूमते रहते थे सिंथिया को ढूंढते हुए. ये था लेजेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज दैट किड्स वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू ए थिंग ऑफ ब्यूटी. और ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. एक्सप्लेन द लाइन. आंसर है, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम contains the message that Keats wants to convey through the poem. He was a worshipper of beauty and he says the message is that a thing of beauty is a joy forever. Kavita ke shuruaati jo pankti hai usi mein ye sandesh chupa hua hai jisme wo kehte hai ke sundar cheez hi khushi ka karan hota hai hamesha ke liye. और जॉन कीट्स सुंदरता के पुजारी थे. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट अकॉर्डिंग टू कीट्स मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज. कीट्स के अनुसार जिंदगी में समस्या और दुख होने के बावजूद इंसान क्यों जिंदगी से प्यार करते हैं. द ओकेजनल पीरियड्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस मेक लाइफ ब्यूटिफुल and make human beings love life in spite of all its problems and miseries. बात यह है कि जिंदगी में समस्या और दुख होने के बावजूद भी इंसान जिंदगी से प्यार करते हैं. इसका कारण है हमारे जिंदगी में समय समय पर मिलने वाली खुशियाँ और सुख जिंदगी को उन खुशियाँ ही जिंदगी को सुंदर बनाता है. किट्स सेज दैट All the things of beauty are a constant source of joy for us. किट्स कहते हैं कि सभी सुंदर चीजें हमारे लिए वो सुख या खुशी लाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेंजा. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन अर्थ ऑफ नोबल नेचर of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways,
made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So, इस स्टंज में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू एवरी डे, हम हर रोज क्या करते हैं? आंसर है, एवरी डे वी मेक ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. इन अदर वर्ड्स, एवरी डे वी कनेक्ट आवर सेल्फ विद द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. यानी हर रोज हम एक फूल का बांधने वाली पट्टी बनाते हैं खुद को अर्थ के साथ बंधे रखने के लिए. दूसरा शब्द में कहे तो, हर रोज हम प्रकृति के सुंदर चीजों से खुद को जोड़ते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिमूव्स द पल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स. दुखी या आशाहीन जो भाव है उससे दुख कौन हटाता है? आंसर है, द ब्यूटिफुल शेप्स ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स रिमूव द पल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स. सुंदर चीजों के सुंदर आकृति दुखी मन से दुख को हटाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन्स. आंसर है, द मैसेज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइन्स इज दैट दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैडनेस एंड सोरो, येट द ब्यूटिफुल थिंग मेक अस लव दिस वर्ल्ड एंड वी फॉरगेट आवर सैडनेस. जो संदेश इन पंक्तियों में प्रकट होता है वो है कि वर्ल्ड यानी पृथ्वी दुख और दर्द से भरा होने के बावजूद ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर चीज हमें पृथ्वी से प्यार करवाता है और हम अपना दुख भूल जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ए स्टेंजा, लेट्स रीड. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breath. First question is, who is the poet of these lines and what is the title of the poem? सबको पता ही होगा. So, इन कविता इन पंक्तियों का कवि कौन है और कविता का नाम क्या है? Answer है, John Keats is the poet of these lines. The title of the poem is A Thing of Beauty. Next question, why is a thing of beauty is a joy forever? एक खूबसूरत चीज अनंत खुशी क्यों है? आंसर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस ऑल द टाइम एंड इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. मतलब ये है कि एक खूबसूरत चीज अनंत के लिए खुशी है इसीलिए क्योंकि इसका खूबसूरती वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है और ये कभी भी बेकार नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बोअर, मतलब बोअर क्या है? सो द आंसर इज, ए बोअर इज ए प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स इन ए गार्डन और वुड. गार्डन या फिर जंगल में पेड़ या लता के साया वाला प्लीजेंट जगह को बोअर कहते हैं. सो आई थिंक यू लाइक इट. थैंक यू. सब्सक्राइब द चैनल.